तो आज हम पढ़ेंगे द साइंस बिहाइंड टीवी। प्लीज अप्रिशिएट दिस प्रेजेंटेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विद ऑल सिंसियरिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स टीचर्स एंड वॉलंटियर्स। वी वेलकम वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट एंड ऑल्सो सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट फॉर यूज इन एकेडमिक लर्निंग काइंड ऑफ एग्जाम्स। प्लीज वेरीफाई एंड कोरिलेट विद योर कोर्स बुक्स फॉर बिकमिंग एन एसोसिएट एंड और सेंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरी टेलिंग। प्लीज गेट इन टच विद योर ब्रीफ प्रोफाइल एट buskinjoy@gmail.com। टू इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले मेरे पास टॉपिक के अंदर आता है कि इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो मोस्ट पीपल स्पेंड आवर्स ईच डे वॉचिंग प्रोग्राम्स ऑन टीवी सेट। हाउएवर मैनी पीपल माइट वंडर हाउ इनफेक्टिवली विजन्स वर्क्स। अब क्या होता है, कई सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, लेकिन कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है बेसिकली। ठीक है, तो देर आर मैनी पार्ट्स टू द प्रोसेस एंड मैनी टेक्नोलॉजीज डेट आर इन्वॉल्व। तो कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी होती है इन्वॉल्व, उनको हम आगे देखते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ टीवी प्रोसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो टीवी को वर्क कराने के जो मेजर या मेन एलिमेंट्स होते हैं वो पहले होते हैं कि पहला होता है वीडियो सोर्स, दूसरा होता है ऑडियो सोर्स, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर, एक होता है डिस्प्ले डिवाइस, एक होता है साउंड डिवाइस। तो ये हमारे पास मेन एलिमेंट्स होते हैं। अब हम पहले सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर वीडियो सोर्स क्या होता है। तो द वीडियो सोर्स इज द इमेज और प्रोग्राम, इट कैन बी अ टीवी शो, न्यूज़ प्रोग्राम, न्यूज़ फीड और मूवी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वीडियो सोर्स क्या होता है, या तो कोई प्रोग्राम हो सकता है या फिर कोई इमेज हो सकती है जो हम टीवी पे देखते हैं। ठीक है, या फिर कोई टीवी शो हो सकता है, न्यूज़ प्रोग्राम हो सकता है, या फिर कोई मूवी हो सकती है जो हमें दिखता है टीवी पे, वो बेसिकली वीडियो शो है। ठीक है, या वो वीडियो सोर्स है। यूजली वीडियो सोर्स हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डिंग बाय अ कैमरा। अब ये क्या होता है, ये पहले से रिकॉर्डेड होता है कैमरा पे और उसको हमें डिस्प्ले पे दिखाया जाता है। ऑडियो सोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो बिसाइड द वीडियो सोर्स वी ऑल्सो नीड द ऑडियो सोर्स। प्रैक्टिकली ऑल मूवीज, टीवी शोज एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑडियो। अब क्या होता है कि वीडियो सोर्स के साथ हमें ऑडियो सोर्स भी चाहिए पड़ेगा। तो जैसे कि मूवीज़ वगैरह होती हैं, या फिर टीवी शोज होते हैं, न्यूज़ प्रोग्राम कुछ भी होता है, उन सब में ऑडियो भी होता है उनका मेन पार्ट। ठीक है, अब ऑडियो सोर्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ मोनो, स्टीरियो और डिजिटली प्रोसेस टू बी लेटर प्लेड बैक विद सराउंडेड साउंड। मतलब क्या हुआ उसका कि ऑडियो सोर्स को हम किस तरह प्ले कर सकते हैं, या तो स्टीरियो पे प्ले कर सकते हैं, मोनो प्ले कर सकते हैं, या फिर डिजिटली प्रोसेस पे सराउंड साउंड के साथ भी हम उसे प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि ये पूरा बार स्पीकर रखा है, इस पर प्ले कर सकते हैं, या फिर इस तरह के राउंड स्पीकर पे, इन सब पे भी हम ऑडियो सोर्स प्ले किया जाता है। अब ट्रांसमीटर पे आते हैं कि ट्रांसमीटर क्या होता है। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। अब द ट्रांसमीटर इज नेसेसरी फॉर ब्रॉडकास्ट टेलीविजन कंपनीज दैट ब्रॉडकास्ट अ फ्री सिग्नल टू व्यूअर्स इन देयर एयर एरिया। अब उन कंपनीज के लिए जो कि, या फिर उन टेलीविजन कंपनी के लिए बोलना चाहिए जो ब्रॉडकास्ट करती हैं अपने टीवी प्रोग्राम्स को, उनके ट्रांसमीटर एक काफ़ी ज़रूरी नेसेसरी थिंग होता है। ठीक है, वो कब करती हैं, जब वो फ्री सिग्नल के ऊपर व्यूअर्स को अपने एरिया में प्रोवाइड कराती हैं। द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट बोथ ऑफ वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल ओवर द एयर वेव्स। ट्रांसमीटर क्या करता है, अपने से खुद से क्या करता है, ऑडियो इस तरह से और इस तरह से वेव्स निकालता है, ऑडियो वीडियो वेव्स निकालता है जो कि रिसीवर के द्वारा ली जाती हैं। और तो ऑडियो वीडियो वीडियो सिग्नल्स आर इलेक्ट्रिकल नेचर एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू रेडियो वेव्स विच कैन बी देन पिक अप बाय रिसीवर्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं ऑडियो और वीडियो की जो सिग्नल होते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल होते हैं, फिर उनको बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है किसके अंदर, रेडियो वेव्स के अंदर। रिसीवर्स टीवी सेट में क्या होता है कि बेसिकली हमारे टीवी सेट एक रिसीवर में होता है। तो रिसीवर इज़ यूजली इंटीग्रेटेड इन योर टीवी सेट। अब टीवी सेट के अंदर ही हमारा रिसीवर लगा होता है। ठीक है, अब दिस रिसीवर इज़ अबल टू ग्रैप रेडियो वेव्स या फिर ट्रांसमिटेड सिग्नल जो हमें आया है उसी को या फिर रेडियो वेव्स हम बोलते हैं, एंड प्रोसेस दिस रेडियो वेव्स बैक टू ऑडियो वीडियो एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी नाउ प्लेड ऑन योर टीवी सेट। अब क्या हुआ, इसने रिसीवर ने रिसीव तो कर लिया ऑडियो वीडियो सिग्नल को, अब इसको क्या करेगा, दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर करेगा। जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट हो जाएंगे, उनको क्या करेगा, टीवी सेट के ऊपर प्ले कर देगा। अब डिस्प्ले डिवाइस क्या होगा, ये बेसिकली हमारी टीवी की स्क्रीन ही होगी। तो द डिस्प्ले डिवाइस इज अवेलेबल टू रिसीव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूजली सेंड फ्रॉम रिसीवर। ठीक है, जो रिसीवर से जो सिग्नल आया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उनको क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, और इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कायम करेगा कन्वर्ट व्यूएबल इमेज के अंदर, जो हमें दिखेगा, इमेज दिखेगा टीवी पे। तो मोस्ट स्टैंडर्ड टीवी सेट्स इनकॉर्पोरेट अ कैथोड रे ट्यूब, CRT होते हैं बेसिकली, जो कैथोड रे ट्यूब के जो होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेलीविजन को भी यूज़ करते थे पहले। अब हाउएवर न्यू डिस्प्लेस कैन इंक्लूड, अब जो नए डिस्प्ले आने लगे वो कि कौन से होते हैं, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर प्लाज्मा गैस टॉर्च डिस्प्ले डिस्प्ले। ठीक है, डिवाइसेस अमंग अदर्स और भी डिवाइस, LED वगैरह भी आने लगे टीवी। अब साउंड डिवाइस में क्या होता है, तो वाइल मोस्ट साउंड डिवाइस आर बिल्ट इनटू योर टीवी सेट इन फॉर्म ऑफ स्पीकर्स। अब क्या होता है, मोस्टली
साउंड डिवाइसेज होते हैं स्पीकर वगैरह टीवी सेट के अंदर बिल्ट इन होते हैं या कभी कभी अलग से भी लगा दिए जाते हैं। ऑडियो सिग्नल्स आर ऑब्वियसली नीडेड टू मैच अप विद द वीडियो बीइंग शोन विद टू द व्यूअर्स। अब ऑडियो सिग्नल जो होते हैं उनको उस तरह से उनके ऊपर वीडियो सिग्नल्स के ऊपर पूरा मैच कराया जाता ताकि आगे पीछे सुनाई ना दे ऑडियो, ठीक है। Many newer TV sets have outputs to send TV sound to high quality speaker that reproduce sound much better. अब क्या होता है, नए टीवी जो आ रहे हैं क्या करते हैं, टीवी के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं या फिर जो ऑडियो सिग्नल होते हैं उनको क्या करते हैं, अलग से स्पीकर्स वगैरह में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि और अच्छे साउंड वगैरह सुनाई दे सके। अब टीवी टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा बेसिकली क्या होता होगा कि इस तरह से कैथोड एनोड से पास होती है रेज वगैरह और वो हमें स्क्रीन पे दिखती है। तो ये सीआरटी का पूरा बेसिकली फंक्शन होता है कैथोड ट्यूब का। अब टीवी टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स में समझते हैं, तो देयर आर मेनी पार्ट्स टू अ टीवी सेट दैट अलाउज यू टू व्यू इमेजेस एंड रिप्रोड्यूस ऑडियो सिग्नल। कई सारे पार्ट्स होते हैं इमेज देखने के लिए ऑडियो सिग्नल के लिए। दे इंक्लूड द कैथोड ट्यूब, द कलर प्रोसेस एंड द टीवी एंटीना। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैथोड ट्यूब, कलर प्रोसेस और टीवी एंटीना। कैथोड ट्यूब के बारे में देख लेते हैं। अब तो इनसाइड दिस वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स डेट मूव रैपिडली फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कैथोड ट्यूब के अंदर एक ट्यूब होती है बेसिकली, हमारे पास ये वैक्यूम ट्यूब होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इसके पार्ट देख लेते हैं, तो ये हमारे स्पिन है कैथोड ट्यूब के अंदर, ये मेरे पास हीटर है, यहाँ पे कैथोड लगा हुआ है, ये ग्रिड है, यहाँ पे ये प्री एक्साइटिंग एनोड है ये, ठीक है। ये क्या मेरे पास फोकसिंग एनोड है और ये क्या एक्सीलेटिंग एनोड है, यहाँ पे एनोड लगे रखे हैं ये इस तरह से, ये अब दिस इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू अ स्क्रीन दैट इज कोटेड विद फॉस्फोर। अब ये जो स्क्रीन होती है ये फॉस्फोर से क्या होती है, कोटेड होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं हम बॉम्बार्डिंग कराते हैं, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ट्रेवल करते हैं। फॉस्फोर ग्रोज व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन हिट द स्क्रीन क्रिएटिंग एन इमेज। अब क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके स्पीड स्ट्राइक किया, तो यहाँ पर जब भी स्ट्राइक करेगा वहाँ पर एक इमेज फॉर्म होती है उस पॉइंट पर, ठीक है। और टीवी क्रिएट इमेज बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिक्सल और डॉट ऑन द स्क्रीन। अब टीवी जो होते हैं उसमें कई तरह से छोटे छोटे लगे होते हैं ट्यूब्स, तो क्या करती हैं पूरी एक हमें इमेज दिखाती हैं, ठीक है। तो टीवी क्रिएट इमेज बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिक्सल्स और डॉट्स ऑन द स्क्रीन। अब छोटे छोटे पिक्सल्स के या फिर डॉट के फॉर्म में हमें टीवी पे स्क्रीन में डिस्प्ले नजर आता है। कलर प्रोसेस क्या होता है, तो विद इन कैथोड रे ट्यूब इज अ बीम दैट शूट्स इलेक्ट्रॉन ऑन टू अ स्क्रीन विच इज कोटेड विद फॉस्फोर, ये भी देखा हमने, ठीक है। व्हाइल अ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हैज वन बीम, कलर टीवी है थ्री बीम्स। कलर टीवी पे तीन बीम्स होती हैं, ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर सिर्फ वो होती थी एक बीम होती थी। अब कलर टीवी पे कौन कौन सी बीम होती हैं, थ्री, तो रेड, ब्लू और ग्रीन। कलर टीवी हैव वन स्क्रीन विच यू व्यू यूर इमेज फ्रॉम, बट बिहाइंड दिस स्क्रीन इज अ शीट ऑफ फॉस्फोर। अब इस स्क्रीन के पीछे जो हमें स्क्रीन दिखती है टीवी पे, उसके पीछे क्या होता है एक शीट होती है फॉस्फोर की, क्या होता है एक फॉस्फोर की शीट होती है, ठीक है। कलर टीवीज के अंदर जैसे कि आप हम देखें तो ये मेरे पास फॉस्फोर की स्क्रीन है, ये मेरे पास टीवी है का यहाँ पे टीवी की स्क्रीन है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कलर टीवी हैज आल्सो वन स्क्रीन विच यू व्यू योर इमेज फ्रॉम बट बिहाइंड द स्क्रीन इज अ शीट ऑफ फॉस्फोर। अब ये इस पे मुझे क्या दिखती है, यहाँ पे ये मुझे टीवी की स्क्रीन ये रही। ब्लैक एंड वाइट टीवी ओनली हैव वन शीट ऑफ फॉस्फोर, कलर टीवी है थ्री शीट ऑफ फॉस्फोर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब कलर टीवी पे क्या होती है, तीन शीट होती है फॉस्फोर की, रेड, ब्लू और ग्रीन, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी सिर्फ एक शीट होती है फॉस्फोर की, ठीक है, तो इसलिए मैं ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखती थी। केबल टीवी वर्सेस डीटीएच देख लेते हैं, तो लोकल केबल टीवी ऑपरेटर्स यूजली कोएक्सियल केबल्स टू ट्रांसमिट केबल टेलीविजन सिग्नल्स फ्रॉम देयर रिसीविंग ऑफिस टू द कस्टमर होम। अब क्या होता है जो केबल टीवी वाले होते हैं क्या करते हैं, वो अपने खुद के ऑफिस से केबल डाल देते हैं टीवीज तक, ठीक है, लोगों के घरों में टीवी तक डालते हैं, उसके थ्रू ही सिग्नल को ट्रांसफर कराते हैं। जैसे केबल टीवी जो होते थे जिसको हम डिस्क भी बोलते हैं, लोग काफ़ी बोलते हैं डिस्क वगैरह, तो रिसीविंग ऑफिस इन टर्न गेट सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट। अब रिसीविंग ऑफिस जो होते हैं उनको सिग्नल कहाँ से मिलता है, सैटेलाइट से, ठीक है, तो पैराबोलिक डिश एंटीना से या फिर सैटेलाइट से उनको सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं वो जब एंटीना ने सिग्नल रिसीव कर लिया ऑफिस पे, वहाँ से केबल के थ्रू क्या किया, ट्रांसफर किया गया लोगों के घरों में, इस तरह केबल टीवर किया। और ऑन द अदर हैंड डीटीएच क्या करता है, देर इज़ नो केबल ऑपरेटर। अब यहाँ पे कोई केबल ऑपरेटर नहीं होता है, डायरेक्ट क्या करता है डीटीएच जो है, ठीक है, सेट ऑफ बॉक्स उसमें होता है एक सेट ऑफ बॉक्स, तो वही क्या करता है वही एक रिसीवर का बेसिकली काम करने लगता है सैटेलाइट के थ्रू, उसकी जो डिस्क लगी होती है घर की छत पे, ठीक है, वो रिसीव करती है सिग्नल और उसके थ्रू डायरेक्ट
आपको इमेज शो करने लगती है टीवी के ऊपर। अब स्मार्ट टीवी देख लेते हैं, तो स्मार्ट टीवी में क्या होता है, स्मार्ट टीवी ऑल्सो नोन एज कनेक्टेड टीवी इज अ ट्रेडिशनल टेलीविजन सेट विद अ इंटीग्रेटेड इंटरनेट इंटरेक्टिव वेब 2.0 फीचर्स विच अलाउज यूजर्स टू स्ट्रीम म्यूजिक वीडियोज ब्राउज द इंटरनेट एंड व्यू फोटोज। अब क्या होता है, स्मार्ट टीवी बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल टीवी जैसे होता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है, इंटरनेट चल सकता है, ठीक है, और काफ़ी सारे नए इंटरेक्टिव फीचर्स होते हैं, जैसे वेब इंटरनेट हम चला सकते हैं उसके अंदर, वेबसाइट्स वगैरह खोल सकते हैं, म्यूज़िक वीडियोस चला सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम इस तरह के ऐप वगैरह भी स्मार्ट टीवीज़ में चल सकते हैं काफ़ी सारे। तो स्मार्ट टीवी जो होता है इसे टेक्नोलॉजी होती है कन्वर्जेंस ऑफ कंप्यूटर्स टेलीविजन सेट्स एंड सेटअप बॉक्स। अब इसने क्या किया, स्मार्ट टीवी एक बेसिकली क्या किया, स्मार्ट टीवी ने इन तीनों का कन्वर्जन जैसा है, कंप्यूटर का, टेलीविजन सेट का और सेटअप बॉक्स का, इन तीनों को जब कन्वर्ज करके बनाएंगे तो एक स्मार्ट टीवी बनता है। थैंक यू।